फुगल पंचायत समिति बनने के बाद हमारी टीम आज थारूसर ग्राम पंचायत पहुंची है, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं इस ग्राम पंचायत के अंदर, जहां आज भी यहां के वोटर मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 1995 के अंदर बनी यह ग्राम पंचायत के अंदर सरपंच निर्विरोध बने थे, वही सरपंच आज 2020 के अंदर दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि यही सरपंच दो बार यहां के प्रतिनिधि के तौर पर सरपंची कर चुके हैं, लेकिन लोगों की आज भी समस्या यहां बरकरार है। हम थारूसर ग्राम पंचायत के अंदर पहुंचे, यहां पर लोगों की आपको देख रहे हैं, कोरोना 19 जो महामारी जो संक्रमण है, इससे बचने के लिए यहां पर सोशल डिस्टेंस की भी पालना की जा रही है, वहीं मास्क लगा रखा है। हालांकि इस ग्राम पंचायत के अंदर पहले प्रथम चरण के अंदर 28 सितंबर को चुनाव होने हैं, लेकिन लोगों की एक मूलभूत समस्याएं हैं, बिजली पानी और शुद्ध पानी इनकी मुख्य समस्या। हालांकि इस गांव को अभी भी सड़क की एक बड़ी समस्या है, इसको लेकर भी हम ग्रामीणों से जानना चाहते हैं। आपके ग्राम के अंदर अभी 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, मुख्य समस्या क्या है आपकी? सर 44 आरडी से कोई कटान के रास्ते है वो भी नहीं है, पूरे चक में समस्या है। दूसरा लाइट और लगा दिया, तार नीचे लगे हुए जमीन पे, खंभों की दूरी बहुत है, चिकित्सा की कोई सुविधा नहीं है, ना पशु चिकित्सालय। अब 28 सितंबर को वोट डाले जाएंगे, क्या सोच समझकर आप उस दिन वोट डालेंगे? किस तरीके का आपको सरपंच चाहिए? सरपंच विकास करने वाला चाहिए, ऐसे सरपंच हर रोज हमेशा ही बनते ही हैं, विकास को आज तक नहीं हुआ। यानी कि आप विकास के नाम पर वोट देंगे? हाँ, विकास के नाम पर। यहाँ पर वोटों की कितनी संख्या ग्राम पंचायत में? 1900 वोट इस ग्राम पंचायत के अंदर 1900 मतदाता हैं, जो 28 सितंबर को सरपंच का फैसला करेंगे। हालांकि जो ग्रामीणों की जो समस्या है वो कहीं ना कहीं इस पंचायत के अंदर देखी जा रही है। इनकी मुख्य समस्या जहाँ शुद्ध पेयजल को लेकर है, चिकित्सा व्यवस्था को लेकर है, वहीं इस गांव को जोड़ने वाली मुख्य सड़क को लेकर है। आज हमारे साथ जहां सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पहले दो बार सरपंच रह चुके हैं, दोबारा अभी 28 सितंबर को दोबारा जो वोट डाले जाएंगे इसके अंदर प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, हम इनसे जानना चाहते हैं। आप पहली बात कोरोना 19 महामारी ये बड़ी चुनौती है, किस तरीके से आप प्रचार प्रसार करें? हम प्रचार इस तरीके से करें, मास्क, गर्म पानी पीना और ठंडे से बचना और एक दूसरे से दूरी बना के रहना, और यही इसका हल है। अभी तक दवाई कोई नहीं मिली, तो काम के लोग जितने दूर रहेंगे, एक के अंदर काम करोगे, गर्म शरीर रहेगा, तो इससे महामारी जो इस पर अटैक नहीं करेगी। आपकी पंचायत के जो वोटर हैं उनकी एक बड़ी मुख्य समस्या है, गांव को अभी सड़क से नहीं जोड़ा गया है, हालांकि सड़क के अलावा अन्य मूलभूत सुविधाओं से आज वोटर वंचित है, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी? प्राथमिकता हमारी इस गांव में एक तो मूल पहली ये 644 से रोड जुड़ाना और कच्चे रास्ते किसानों के खेतों के अंदर जोड़ने, ये अभी तक हमारे से मैं सरपंच भी दो बार रह चुका हूँ पहले, तो उसमें अभी तक ये सुधार नहीं होया। इसका सुधार जैसे कच्चे खाले पर बाट कवरिंग, कच्ची साख को पक्की करानी किसानों की, और जो जैसे शिक्षा वाले नहीं है उनको यहाँ ला करके, अभी MLA साहब हमारे यहाँ के इस गांव के दोहित हैं, उनकी माँ इस गांव की, और हमारी बिल्कुल वो मदद करेंगे, और उससे भी हम पूरा गांव के विकास के लिए मोहम्मद राम जी को कहेंगे, हमारी ये सड़क और ये काम हमारे और करते हैं और हमारी मदद करेंगे। जितना पहले भी रहे जो हमारे को ये अभी हो गए, कोई लोग तो पैसे कमाने के लिए, हमारे को हमारे जो लोग दुखी है इसकी सुविधा जो है ये हो जाए तो हमारी आत्मा पूरी। एक यहाँ केंद्र सरकार ने बहुत बड़ा कुआं बनाया गांव के अंदर, बारली लाइन से अभी तक कुछ नहीं रहा, MLA साहब को कह रखा इसी कुएं को इस गांव के अंदर पानी के लिए, केंद्र वाले क्या के अपने राजस्थान सरकार इसको छूट दे देगी तो इस गाँव की पानी की पूर्ति हो जाएगी, और ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी जो हमारे गाँव को पानी पूरा फल मिल जाए। 1995 के अंदर आप निर्विरोध सरपंच बने हैं, वहीं 2010 के अंदर आप निर्वाचित हुए हैं, 2020 में आप तीसरी बार यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों की बड़ी उम्मीद आपसे जुड़ी हुई है, क्या लोगों का जो आप में विश्वास है वो कितने समय में आप पूरा कर देंगे? हम अब के बार अब आखिरी तो हमारी उम्र है और आखिरी ये फैसला है कि अब मैं इनकी उम्मीद पूरी करके ही मरूँ, पहले ना मर जाऊँ, इनकी उम्मीद पूरी कर दूँ, आप मेरी तमन्ना है।
ये दो बार निर्विरोध, एक बार निर्विरोध सरपंच रह चुके हैं, दूसरी बार निर्वाचित हुए थे 2010 के अंदर। इनके कहीं न कहीं जो गांव के अंदर जो मुख्य समस्या है, इसको लेकर ग्रामीणों ने भी कहा है कि जल्द ही इस क्षेत्र के अंदर अगर विकास करवाना है तो विकास के नाम पर ही वोट दिया जाएगा। हालांकि सड़क एक मुख्य समस्या है, वहीं चिकित्सा और शुद्ध पेयजल की बड़ी समस्या, इसको लेकर सरपंच प्रतिनिधि जो वोट मांग रहे हैं उनका मुख्य उद्देश्य और इनकी प्राथमिकता यही रहेगी कि जल्द ही गाँव के अंदर ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि आने वाले समय में गाँव का विकास हो सके। सुरेंद्र डेलू, खाजूवाला। मेरा नाम जमील अहमद है और मैं थारूसर का निवासी हूँ। हम लोग जो है हाकिम सरपंच साहब को हमारा समर्थन दे रहे हैं, तो इस वजह से हम दे रहे हैं कि हमारे ये ऐसे सरपंच हैं जो कि 36 कौमों को साथ में लेकर के चलते हैं। आज तक हमारे गांव के अंदर कुछ काम हो चुका है और हम इस वजह से समर्थन दे रहे हैं कि हमारी कोई ना कोई काम रहे हुए हैं। हमारे गाँव के अंदर चिकित्सा नहीं है, हमारे जो इलाके हैं कच्ची सड़कें, जहाँ खेतों के ढाणियों के अंदर जो कच्चे रास्ते जाते हैं, वही हमारी सोच ये है कि वहाँ भी हमारे खेतों के अंदर भी पक्की सड़कें और जो हमारी नहरें हैं, खाले हैं, उनके ऊपर डांटे वगैरह लग जाए। इसी वजह से हम लोग जो है हाकम साहब को हमारा समर्थन दे रहे हैं।